बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का जलवा देश से लेकर विदेश तक है। पठान के जरिए शाहरुख खान ने 4 साल बाद जैसा कमबैक किया है, वैसा आज तक बॉलीवुड का कोई सितारा नहीं कर पाया है। शाहरुख खान को चाहने वाले दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। इस बीच भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेने ने शाहरुख खान के साथ एक तस्वीर शेयर की है और एक बड़ी बात भी लिखी है। दरअसल हाल में ही शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में पहुंचे थे। इवेंट में दोनों दिन शाहरुख खान का जलवा रहा। हर कोई सुपरस्टार के साथ तस्वीर क्लिक कराने की ख्वाहिश लेकर खड़ा था। इसी क्रम में शाहरुख खान की फैन लिस्ट में भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनन का नाम भी शामिल हो गया। भारत में फ्रांस के एम्बेसडर के पद पर तैनात इमैनुअल लेनन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शाहरुख के साथ फोटो शेयर की है। लेनन ने कैप्शन में लिखा है, मुंबई में ग्रेट शाहरुख खान से मुलाकात हुई। उनसे मैंने आग्रह किया कि वो फ्रांस में फिर से आकर शूटिंग करें। फ्रांसीसी लोग बॉलीवुड को और उन्हें देखना पसंद करेंगे। आपको बता दें कि शाहरुख खान को साल 2014 में फ्रांस का शीघ्र नागरिक अवार्ड नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। शाहरुख खान को ये अवार्ड उस वक्त के फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस ने अपने हाथ से दिया था। पिछले 4 साल से बड़े पर्दे से गायब शाहरुख खान ने पठान से जब वापसी की तो उनकी वापसी देखने लायक थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसे दौड़ी कि हर कोई पठान का दीवाना हो गया। NMSCC इवेंट में भी जब शाहरुख खान अपने परिवार के साथ पहुंचे तो हर तरफ उनका ही जलवा था। ना सिर्फ इस इवेंट में शाहरुख खान ने शिरकत की, बल्कि शाहरुख खान ने इस इवेंट में गाने झूमे जो पठान पर परफॉर्मेंस भी दी। ना सिर्फ इवेंट में मौजूद लोग बल्कि शाहरुख खान के फैंस भी शाहरुख के इस परफॉर्मेंस को देखकर फूले नहीं समा रहे। शाहरुख को लेकर लोगों के बीच जो दीवानगी है, इससे साफ पता चलता है कि उन्हें ऐसे ही बॉलीवुड का किंग खान नहीं कहा जाता।